हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के दो नए टॉपिक सीखने वाले हैं, लिमिट और ऑफसेट। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट का डमी डाटा है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड डाला हुआ है। अब इस रिकॉर्ड को मैं देखना चाहता हूँ। इसको रिकॉर्ड को देखने के लिए, जैसे कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा था कि हम कमांड यूज़ करते हैं सेलेक्ट, फिर उसके बाद कॉलम का नेम या स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब जो ये कमांड है, ये हमारे को सारा का सारा डाटा एक ही टाइम पे दिखा देगी। अब वहाँ हो सकता है एक ही बारी में रिकॉर्ड जो है डाटाबेस के अंदर वो हजारों में है, तो वो सारे हजारों रिकॉर्ड हम एक बारी में नहीं देखना चाहते हैं, हम उसको लिमिटेड नंबर में देखना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास ये डाटा है, अब इसमें से मैं लिमिटेड 3 नंबर्स के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जो पहले 3 रिकॉर्ड हैं, कुछ इस तरीके से। अब इस तरह के लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखने के लिए मेरे पास सीक्वल कमांड के अंदर आता है लिमिट क्लॉज। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है लिमिट, और उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर लगाना होता है जितने रिकॉर्ड्स हम देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि लिमिट क्लॉज को सेलेक्ट कमांड के अंदर लिखने का क्या तरीका है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद आ जाएंगे आपके कॉलम्स के नेम। अगर आप सारे कॉलम्स एक ही बारी में देखना चाहते हैं डाटा के, तो उसके लिए आप स्टार भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे फ्रॉम, फिर टेबल का नेम। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेयर क्लॉज, जिसके बाद आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप बिना कंडीशन लगाए भी सारा डाटा देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है अपना लिमिट क्लॉज। लिमिट लिखने के बाद यहाँ पर आपको नंबर देना है कि कितने नंबर्स ऑफ फिक्स्ड रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं लिमिट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। MySQL के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है, और उसके अंदर जाके कंट्रोल पैनल को ओपन करके सबसे पहले हमने अपाची और MySQL को ऑन करना है। उसको ऑन करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे MySQL वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया MySQL वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे सामने SQL एडिटर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर जो हमने टेबल बनाया है पर्सनल, जिसको हम अपने कहीं पिछले वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस डाटा टेबल में 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इस 7 रिकॉर्ड को मैं इकट्ठा नहीं देखना चाहता, उसको मैं लिमिटेड नंबर करके देखना चाहता हूँ, जैसे 2 रिकॉर्ड्स या 3 रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो कि हमारा पर्सनल टेबल है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना क्लॉज लगाना है जिसका नाम है लिमिट। और उसके बाद जैसे मैं 2 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ एट ए टाइम, तो उसके लिए मैं लिखूंगा 2, और यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और ये देखिए, इसने मेरे को पहले 2 रिकॉर्ड दिखा दिए। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, तो यहाँ देखिए, इसने मेरे को 3 रिकॉर्ड दिखा दिए पहले। और अगर मैं इसी सेलेक्ट कमांड के अंदर वेयर क्लॉज यूज करता हूँ कंडीशन लगाने के लिए, और मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि सिटी जो है जहाँ पर आगरा है वहाँ के रिकॉर्ड मुझे शो करे, और लिमिट लगा दी मैंने 3 की। तो देखिए, मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और ये देखिए, यहाँ पे सिटी आगरा आ रहा है, और यहाँ के जो रिकॉर्ड्स मेरे को दिख रहे हैं वो भी फिक्स नंबर में है, मतलब कि 3 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। और अगर जैसे मैं इसके अंदर ऑर्डर भी यूज़ करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं जैसे ये नेम वाला कॉलम है, इसे ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर बाय नेम, नेम हमारे कॉलम का नेम है। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और ये देखिए, यहाँ पर ऑर्डरिंग भी हो गई है। ए वाले पहले आ रहे हैं, फिर आर वाले, लास्ट में एस वाले। तो आपने देखा कि लिमिट के साथ हम सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में कवर की थी, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने इस रिकॉर्ड में से पहले 3 रिकॉर्ड तो देख लिए, मगर अगर उसके बाद हम दूसरे 3 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे। जैसे अब पहले 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं राम, सलमान और मीरा, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ सरिता, अनिल और शहीद। तो इसके लिए हम लिमिट के साथ एक ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ऑफसेट। ये देखिए, इसको लिखने का तरीका, यहाँ पर जो आपको रेड कलर में 3 दिख रहा है, यही हमारा ऑफसेट है। इसको हमें लिमिट नंबर से पहले देना होता है, और इसके बाद कोमा लगा के जो हम दूसरा नंबर देंगे ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा लिमिट नंबर, मतलब कि कितने फिक्स रिकॉर्ड दिखाने हैं। तो ऑफसेट एक तरीके का स्टार्टिंग नंबर काम करता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो जब हमने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 पे है मीरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे मीरा खान, तो मीरा खान से स्टार्टिंग नहीं करेगा, ये उसके बाद जो रिकॉर्ड है मतलब कि 4th नंबर पे उससे स्टार्टिंग करेगा, और उसके बाद कितने रिकॉर्ड दिखाएगा 3, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड निकल के आएंगे सरिता, अनिल और शाहिद के। आइए ऑफसेट का सिंटैक्स देखते हैं कि इसको सेलेक्ट कमांड के साथ हम लिख कैसे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद जोन सा भी हम कॉलम देखना चाहते हैं उसके नेम्स आ जाएंगे, फ्रॉम, टेबल नेम, फिर कंडीशंस वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट,
और सबसे पहले हमें यहाँ पे देना ऑफसेट, फिर कोमा लगा के यहाँ पे हम देंगे नंबर कि कितने फिक्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं आप। तो नंबर से पहले ही आपको देना है ऑफसेट। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं ऑफसेट को भी हम नंबर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसी वाली कमांड के अंदर ये वेयर और ऑर्डर बाय हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे स्टार्टिंग करना चाहता हूँ 3 से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले 3 क्योंकि ये हमारा ऑफसेट है, और उसके बाद जो हमारा ये दूसरा 3 आ रहा है ये हमारा लिमिट नंबर है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ देखिए, यहाँ पे अब 4 से स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 का मतलब है उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्टिंग हो। तो यहाँ पे आ गया 4, 5, 6। अब जैसे 6 पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक किया एग्जीक्यूट पे, और देखिए उसके बाद सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था शाहिद का, तो यहाँ पर सिर्फ वही शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर ऑफसेट की जगह पे 0 डाल देता हूँ तो ये मेरे को फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब कि फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स। ये देखिए 1, 2, 3। तो इसका मतलब जब भी आपको स्टार्टिंग करनी है तो स्टार्टिंग नंबर आप रखेंगे 0, और उसके बाद जहाँ पे एंड हुआ है जैसे 3 पे एंड हुआ तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।